हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो एमएस वर्ड में मेलिंग टैब का यूज़ करना हो तो कैसे हम लोग मेलिंग टैब का यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसके नाम से ही पता चलेगा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट आपको बनाना जिसको मेल करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? मेल। जैसे सपोज करिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको किसका, पहला ग्रुप किसका दे रहा है? क्रिएट का ग्रुप दे रहा है। अब इस ग्रुप में सबसे पहला दे रहा है किसका? इनवॉल्व्स और लेबल। यानी कि हो सकता है आपको इनवॉल्व्स बनाना हो या फिर लेबल। ये दोनों का काम क्या है पहले समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए, हम ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा है, डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, पोस्ट ऑफिस। किसी ने लेटर लिखा और ला के हमको दिया, उसमें उसने क्या क्या लिखा? दो एड्रेस लिखा। कौन कौन सा? कि एक तो कहाँ पे जाने वाला है, और यदि वो उसके पास नहीं पहुंच पाता है, वो या रिजेक्ट कर देता है, नहीं रिसीव करता है, तो रिटर्न कहाँ जाएगा? तो दो एड्रेस दिया होता है, एक डिलीवरी एड्रेस और दूसरा रिटर्न एड्रेस। कितना एड्रेस? दो। तो सपोज करिए कि आप फिर आप ही कोई ऐसा लेटर बना रहे हैं, या मान लीजिए हम ये काम करते हैं, हमारी कंपनी है और हमारे कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब हम सबसे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं सबके नाम से एक लेटर सेंड कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना? तो हम क्या करेंगे, एक लेटर बनाएंगे और उस लेटर पे हम क्या करेंगे कि सबका नाम लिख देंगे और एड्रेस लिख देंगे। हाँ, इस एड्रेस पे डिलीवर होने वाला है। और यदि वो एम्प्लॉय उस दिन काम नहीं कर रहा होगा, पुनः रिटर्न वापस जाना चाहिए ना। तो रिटर्न उसका एड्रेस लिखा रहेगा कि हाँ, ये इस काउंटर पे लाके जमा कर देना है। वापस उस काउंटर पे लाके क्या कर देना होगा? जमा कर देना। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? इनवॉल्व्स। अब देखिए, जैसा हम इनवॉल्व्स पे क्लिक किए हैं तो आपको दो एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है ना? एक डिलीवरी एड्रेस और दूसरा रिटर्न एड्रेस। सपोज करें हम डिलीवरी एड्रेस में टाइप कर दिए, पहले ऊपर दे देते हैं ये हमारा क्या है, डिलीवरी एड्रेस है। पहले हमने क्या दे दिया? डिलीवरी एड्रेस। और ये एड्रेस देने के बाद से नीचे हम कुछ कंटेंट टाइप कर दे रहे हैं। किसके नाम से भेजना है बताओ? कोई नाम? अनिल। चलिए, हमने दे दिया अनिल कुमार। एड्रेस नीचे टाइप कर देते हैं, एड्रेस, और आगे एड्रेस लिख दिए, पड़ोने लिख दे जी, और आगे लिख दिए पिन। हो जाएगा ना? अब एक चीज ध्यान रखिए, तो हमारा क्या हो गया, डिलीवरी एड्रेस हो गया ना। अब ये पहले से किसी क्लास में बनाया गया है जो क्या बना हुआ है, रिटर्निंग एड्रेस। या हो सकता है इसके नीचे हम एक चीज और डाल दे रहे हैं, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे सर का नंबर टाइप कर दिया। हाँ, ये नंबर टाइप हो गया। अब सेम वैसे हमको दे देना रिटर्न एड्रेस, कि अगर जहाँ पे डिलीवर नहीं हो पाता है तो वो रिटर्न कहाँ पे आ जाएगा। आ रहा समझ में ना? तो मान लेते हैं कि हाँ, यही हम रिटर्निंग एड्रेस ले लेते हैं। आ रहा समझ में ना? हाँ, नहीं तो आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से टाइप कर लेंगे, इसको हटा दीजिए और पूरा लिख ले पहले रिटर्न एड्रेस। नहीं, पेज पे नहीं दिखाई देगा ना वो रिटर्न एड्रेस है कि डिलीवरी एड्रेस है। जब यहाँ लिखे रहेंगे तभी दिखाई देगा। हम लिख दे रिटर्न एड्रेस, नाम लिख दे, किसके पास रिटर्न हो जाना चाहिए? आकाश के पास। आकाश, और आगे एड्रेस दे दिए क्या, बताओ एड्रेस जी, यार पटना में ही। मेरा यहां नहीं है। चलो, तो लिख दे रहे हैं इस बार गोरखपुर। हाँ, हाँ, जहां का भी हो, बस समझने के लिए हम दे देते हैं। आगे हम दे दिए पिन, पिन कोड टाइप कर दिए, जो भी होगा ऐसे कुछ टाइप कर दिए हम। और आगे हम दे दिए क्या, मोबाइल नंबर। क्या दे दिए? मोबाइल नंबर। इतना हो जाएगा ना? अभी हमने दे दिया क्या, डिलीवरी एड्रेस कहाँ डिलीवर होने वाला है और वो कहाँ रिटर्न होने वाला है। ये एड्रेस सारा टाइप करके प्रिंट करना, तो प्रिंट कर लीजिए, और नहीं तो ऐड टू डॉक्यूमेंट करिए, आपके डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाए, हो जाएगा ना। तो ये कौन सा एड्रेस है, डिलीवरी एड्रेस, और ये कौन सा है, रिटर्न एड्रेस। हो जाएगा ना? यदि हम चाहते हैं कि इस एड्रेस पे डिलीवर होते, यहाँ डिलीवर हो जाएगा। यदि चाहते नहीं इस एड्रेस पे क्या, और रिटर्न होते इस एड्रेस पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ना। तो ये हम किसके माध्यम से दिए हैं,
इनवॉल्व्स के माध्यम से। अब अगला हमारा है क्या चीज, लेवल। लेवल अब सपोज करिए कि हम एक काम करना चाहते हैं कि हम अपने सभी इम्प्लाई को देना चाहते हैं एक लेटर, लेकिन उन सबका एक ग्रुप बना हुआ है। सेल्स का अलग ग्रुप है, परचेस का जो होगा वो अलग होगा, अकाउंटेंट का अलग होगा, तो उस पर एक लेबल चिपकाना चाहते हैं कि हाँ ये जो है ये सिर्फ अकाउंटेंट को देना है, या ये वाला जो है वो सिर्फ सेल्समैन को देना है। आ रहा समझ में ना? या फिर किसी एड्रेस के माध्यम से हम ले लेते हैं, तो यदि उसके माध्यम से दिखाना हो फिर हम किसके ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे, लेबल क्लिक करेंगे। देखिए आप पूछ रहा है कि आप एड्रेस के नाम से ही बनाना चाहते हैं, किस नाम से, एड्रेस। तो मान लेते हैं एड्रेस के नाम से ही बनाना है, बट ये डिलीवरी एड्रेस को क्या कर देना है, हटा दें, हो जाएगा ना। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, देखिए ये चीज यहाँ पे आपको काम करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये लेबल है वो एक साथ कई सारे पेज पर आए, यानी कि एक ही पेज पे कई सारा बन के आ जाए, तब कहाँ पे जाना होगा आप, जैसे हो सकता है कि हम चाहते हैं एक पेज पे छोटा छोटा बन के 10-20 आ जाए, आ रहा समझे ना, तब उसके लिए हम आ जाएंगे कहाँ पे, ऑप्शन। अब देखिए दे रहा है कि एक पेज पे कितना होना चाहिए, दो, या एक पेज पर चार, या एक पेज पर 30, देर आर 30 पर पेज, यानी कि पर पेज पर कितना आना चाहिए, 30। हम इसी को सेलेक्ट करके क्या कर लिए, ओके। और यदि चाहते हैं इससे कम हो या इससे ज्यादा हो तो न्यू लेवल पे जाइए, उस लेवल का नाम भरिए, और यहाँ देखिए नंबर अक्रॉस और नंबर डाउन दिया है, दिख रहा है ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते, चूंकि हम कितना लिए हैं, 30 लिए हैं ना, एक पेज पर कितना लिए हैं, 30। सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लिए, ओके। और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट, देखिए एक पेज पर कितना बन के आया अभी, कैसे 30 होगा, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 एक कॉलम है ना ऐसे, और कॉलम के पास कितना रो दिया है, तो टोटल कितना बन के आएगा, तो वही जब हम यहाँ पे जा रहे थे ना लेवल्स में, और न्यू ऑप्शन में आने के बाद से न्यू लेवल पे, तो यही दे रहा है 10 आपका चाहिए, उससे कम चाहिए, देखिए 10 से अधिक नहीं होगा, उससे कम हो जाए, क्योंकि जितना जगह है उतना अपना जगह वो ले लिया, आ रहा समझ में ना। और उसके नीचे दिया डाउन, अब 3 से कम करना था, अब 3 से कम कर लीजिए, फिर नाम भरिए उसका, नाम भरे उस क्या कर लेंगे यहाँ से, हो जाएगा ना। अब इसको रखना है तो फिर रखिए, और नहीं तो क्या कर देंगे यहाँ से, यहाँ से यस। तो लगभग ऐसे प्रिंट करना हो कोई डॉक्यूमेंट तो बना ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें, ऐसे कर ले जाएंगे ना। सिर्फ हम किसके माध्यम से ये बनाए हैं, तो लेबल में जाइए, नाम टाइप कर लीजिए जो भी देना हो, और नाम टाइप करने के बाद से आपको फिर क्या करना होगा, नाम टाइप करने से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ओके करिए, और यहाँ से न्यू डॉक आ जाएगा बन के, हो जाएगा ना। अब उसके बाद से जब आगे जाएंगे, देखिए अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा किसका है, स्टार्ट मेल। तो पहले तो ये समझिए कि जो स्टार्ट मेल मर्ज में जो ऑप्शन दिया है किसका, लेटर, ईमेल, मैसेज, इनवॉल्व, लेबल, डायरेक्टरी, नॉर्मल डॉक्यूमेंट, ये पेज का टाइप चेंज करने के लिए दिया है। क्या चेंज करने के लिए, पेज का टाइप, कि आखिर जो आपका पेज है वो किस टाइप में रहेगा। जैसे हम इक्वल टू किए, रैंड ब्रैकेट ओपन, पैराग्राफ टाइप किए, ब्रैकेट क्लोज, और देखिए चाहे आप नॉर्मल करिए, चाहे डायरेक्टरी करिए, चाहे लेटर करिए, सबका साइज सेम रहेगा, लेकिन जैसे आप करते हैं ईमेल मैसेज, तो पेज का आकार कुछ चेंज हुआ है ना। जैसे हम लोग ईमेल सेंड करने जाएंगे ना, तो ऐसे ही हमारा पेज दिखाई देगा, तो कुछ उसी प्रकार से हमारा यहाँ से पेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। लेकिन हाँ इसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा, देखिए इनवॉल्व्स करेंगे तो इसके रूप में चेंज हो जाएगा, और अगर जो ईमेल मैसेज करेंगे तो ऐसे चेंज हो जाएगा, चाहे आप लेटर रखिए, चाहे डायरेक्टरी या नॉर्मल रखिए, तीनों एक ही है, हो जाएगा ना। हाँ बट जब आगे आएंगे इसमें लेबल का यूज है, लेवल का कहाँ यूज होगा, तो जैसे हम लोग मेलिंग टाइप पढ़ ले रहे हैं ना, तो एक हम लोग ऑप्शन इसमें समझेंगे कि एक साथ हो जो मल्टीपल आईडी कार्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे।
आ रहा समझ में ना? देखिए उसके लिए क्या करना होगा, पहले हम इंसर्ट में गए टेबल पे और कुछ ऐसे टेबल ले, टेबल बना हुआ है ना। अब हम इंसर्ट में जाने के बाद एक शेप ले लिए, और शेप लेने के बाद हम इसमें क्या कर दिया, ऐसे ड्रा कर दिया। इसके अंदर आ गया है ना। चलिए थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, हाँ इतना हो जाएगा ना। अब इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद किसमें चले जाएंगे, मेलिंग टैब, और मेलिंग टैब में आने के बाद से स्टार्ट मेल लेवल में कन्वर्ट करना है ना। तो लेवल को यहां से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा कितने पर पेज चाहिए। तो अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको जिस हिसाब से हमने सेलेक्ट कर रखा है, फिर यहां से क्या कर लेंगे, ओके। अब यहाँ कह रहा है इन ऑर्डर टू अप्लाई द सेलेक्टेड लेवल ऑप्शन, कि यदि आप जो ऑर्डर दे रहे हैं अप्लाई करने के लिए लेवल ऑप्शन, ये देने से क्या होगा, कह रहा है वर्ड मस्ट रीड द करेंट करेंट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि जो आपका डॉक्यूमेंट 5 है इसका जो करेंट कंटेंट है ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हम कर देंगे ओके, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट हो गया है ना। फिर हम कंट्रोल जेड कर देंगे, वही कंटेंट पुनः वापस आ जाएगा, वापस आ गया है ना। देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा अपडेट लेबल, क्या मिलेगा, अपडेट लेबल, इसी पे क्या करना होगा क्लिक। तो क्या पूरे बॉक्स अपने आप फिल हो गया है, दिख रहा है ना। एक बार और समझ लीजिए कैसे हुआ है, सबको पहले डिलीट कर दी, पहले हम कहाँ गए थे, टेबल में आ गए और अपने अनुसार हम टेबल ले लिए यहाँ से, उसके साइज को जैसे अपने अनुसार बढ़ाना होगा बढ़ा ले, हो जाएगा ना। अब एक सेल में जो भी आपको काम करना है, क्या करना है, इस सेल में जो भी आपको काम करना वो काम अब कर लीजिए, हो जाएगा ना। सिर्फ एक ही सेल में काम कर रहा है ना। अब हम इसी में कर्सर रखेंगे, तो अभी तो ये हमारा ऑप्शन हाईलाइट अपडेट लेवल का ना, जब नया पेज लेंगे तो ये अपडेट लेवल का ऑप्शन हाईलाइट नहीं मिलेगा। जैसे कंट्रोल एन करके न्यू पेज ले लिए, मेलिंग टैब में आ गए, क्या अपडेट लेवल का ऑप्शन हाईलाइट है, क्योंकि पेज हमारा लेवल में चेंज नहीं। तो या तो आप पहले ही चेंज कर लीजिए यहाँ से आके, हो जाएगा ना, पहले ही चेंज कर लीजिए, या फिर आप पहले ये डेटा ले लीजिए ऐसे बना लीजिए, पहले क्या कर लेंगे ऐसे बना लेंगे, और एक सेल में आपको जो भी डॉक्यूमेंट रखना होगा जो भी बनाना होगा बना लीजिए ऐसे, और बनाने के बाद से आप क्या कर लीजिए, इसी में कर्सर रखिए, और कर्सर रखने वाले कहाँ पे आ जाएंगे, मेलिंग टैब्स, आपको कौन सा सेलेक्ट करना होगा यहाँ से, लेबल, लेबल के पास ओके करिए, यहाँ से भी ओके। एक बार क्या कर देंगे कंट्रोल सा जेड यानी कि अंडू हो जाएगा, फिर आपको ऑप्शन हाईलाइट मिल जाएगा कौन सा, अपडेट लेवल, क्लिक करिए, सब में आ गया है, हो जाएगा ना। तो ऐसा जो डेटा मेंटेन करना हो तो इसके हिसाब से कर ले जाएंगे। अब इसी में देखिए हमें सिर्फ अपडेट लेवल कर देंगे, हो जाएगा ना। हाँ नीचे भी आपको यहाँ पे कुछ एरो जैसा दिखाई दे रहा होगा, आ रहा है समझ में ना। तो ये बस ऐसे इसलिए ये एरो आया है क्योंकि अभी हमने मार्जिन अच्छे से सेट नहीं किया था, आ रहा समझ में ना। जब मार्जिन सेट कर लेंगे तो ये एरो नहीं आया, क्योंकि इसके पहले वाले में सबका सेल का बराबर साइज हुआ था, तो कहीं एरो करके नहीं आया था ना। तो इतना लगभग कर ले जाएंगे। तो मेलिंग टैब अभी हमने कितना ऑप्शन आपको बताया, इतना हो जाएगा जी, पहले तो लग रहा है जैसे सो रहे होंगे है ना। अगली क्लास में आपको क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना पहले मल्टीपल आईडी कार्ड बनाना सिखाएंगे, कि एक साथ अगर जो आपको मल्टीपल आईडी कार्ड क्रिएट करना है तो कैसे आईडी कार्ड क्रिएट करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला कौन सा टैब, रिव्यू और व्यू, क्लियर सबको ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।